और आप देख रहे हो टेक फॉर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जैसे कि मैं मेरे ब्लॉग पे आ चुका हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक आर्टिकल को हम ओपन करके दिखाएंगे कैसे आर्टिकल लिखते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखते हैं। सो चलिए इस आर्टिकल को ओपन करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहते हो तो पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है। अगर कीवर्ड्स रिसर्च नहीं करते हैं तो आर्टिकल में कीवर्ड प्लेसमेंट आप नहीं कर पाइएगा एंड फोकस कीवर्ड को आपको ढूंढना है कि कौन सा कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखोगे। सो जैसे कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड को यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये था मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड मैं इसको रिसर्च करके रखा था, तो इसी कीवर्ड में मैं इस आर्टिकल को लिखा। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, आर्टिकल में फर्स्ट टाइटल डाला जाएगा, इसको H1 टैग मानेंगे, मतलब हेडर वन टैग मानेंगे, ओके। एंड यहाँ से आप देख सकते हो हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री। सो सिम यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, इसको हेडिंग टू, ओके, हेडिंग टू हम करके रखे हैं। सो इसको हेडिंग टू करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं मेरा कीवर्ड जो था ए वाला था, इसको मैं हेडिंग में प्लेस कर दिया। कोशिश करिएगा कि आप जो जिस कीवर्ड पे कीवर्ड रिसर्च करके रखा उस कीवर्ड को हेडिंग में लाने के लिए आप हेडिंग पे कीवर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका यूआरएल के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे जो स्टॉप वर्ड होता है उसको नहीं यूज़ करिएगा तो ही बेहतर है। स्टॉप वर्ड एंड द एंड ऐसा कुछ वर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो यूआरएल, मैं इसी कीवर्ड को टारगेट किया तो इसी कीवर्ड को भी यूआरएल पे डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैं जो स्टार्ट किया इसी कीवर्ड को ही यूज़ किया, वैसे मैं कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहता हूँ, मगर यहाँ पे मैं ट्राई किया जस्ट इसको रैंक कराने के लिए। सो ये रैंक भी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इस आर्टिकल को लिखा 17th दिसंबर को एंड नेक्स्ट दिन ही ये गूगल का फर्स्ट पेज में रैंक करने लगा है। मेरा जो ये वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज में इसी कीवर्ड पे रैंक करने लगा है। वैसे यहाँ पे मैं बैकलिंक का सहारा नहीं लिया, जस्ट आर्टिकल मैं लिखा एंड उसमें रैंक किया है, ऐसा ही मतलब कोशिश मेरा था। सो इसमें कोई भी बैकलिंक मैं एक्सटर्नली क्रिएट नहीं किया, जो भी है ऑन पेज एसईओ करके ही मैं इसको वो रैंक कराया। सो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग लिखना है, हेडिंग के बाद यहाँ पे हेडिंग टू, सो यहाँ पे ऑब्वियसली हेडिंग टू यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग थ्री यूज़ किया, नेक्स्ट जो हेडिंग यूज़ करेंगे उसको हेडिंग थ्री देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं इंटरनल लिंकिंग किया, दूसरा आर्टिकल को यहाँ पे लिंक किया, ठीक है। सो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं दूसरा आर्टिकल को एंड एक बेनिफिट्स आपको मिलेगा। कभी कहीं दूसरे वीडियो पे मैं इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक का बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा एंड कैसे एग्जैक्टली सही से क्रिएट किया जाता है वो भी बताऊंगा। सो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कुछ डाउनलोडिंग लिंक मैं यूज़ किया, सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल लिंक है। थोड़ा बता देते हैं इस एक्सटर्नल लिंक के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सटर्नल लिंक मेरा ओपन होगा न्यू टैब में एंड इसको ऑलवेज ट्राई फॉलो एट्रीब्यूशन यूज़ करने का, ओके। उसके बाद फ़ोटो वगैरह कैसे ऑप्टिमाइज फ़ोटो अपलोड करते हैं, कैसे वेपी एंड 40 KB के अंदर फ़ोटो को
कन्वर्ट करके कंप्रेस करके वेबसाइट में अपलोड करते हैं, उसके वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं फोटो भी यूज़ किया जैसे कि आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे देख सकते हैं और भी एक इंटरनल लिंकिंग किया गया है, एंड लास्ट में देख सकते हैं एक कंक्लूजन पोर्शंस डाला गया है। सो ये है कंक्लूजन पोर्शन। सभी SEO फ्रेंडली आर्टिकल में कोशिश करना है कि एक इंट्रोडक्शन पोर्शन देने का, लास्ट में एक कंक्लूजन पोर्शन रहना बहुत ही जरूरी है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शंस पोर्शंस भी है, एंड ऑलवेज ट्राई करना कि एक पैराग्राफ में मैक्सिमम 3 से 4 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं। आप देख सकते हैं फोकस कीवर्ड, यहाँ पे मैं रैंक मैथ SEO प्लगइन यूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हैं फोकस कीवर्ड को मैं यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ से आप एडिट स्निपेट पे क्लिक करके यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यहाँ पे पार्मा लिंक को भी सेट कर सकते हैं, टाइटल को भी सेट कर सकते हैं, मगर टाइटल को छेड़खानी नहीं करना है, पार्मा लिंक को मैं छेड़खानी भी नहीं करता हूँ। अगर पार्मा लिंक को चेंज करना है तो यहाँ से आपको पार्मा लिंक को चेंज करना है, ठीक है, वो ही बेहतर है। एंड यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शंस थोड़ा या डिस्क्रिप्शन में थोड़ा कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं, उससे क्या होगा आपका आर्टिकल तुरंत रैंक कर जाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो है फीचर इमेज, एक रॉयल्टी फ्री इमेज डालना है, एंड कैसे रॉयल्टी फ्री इमेज मिलता है उसका भी मैं ऑलरेडी मेरे वेबसाइट में अगर सर्च करेंगे कि रॉयल्टी फ्री इमेज बाय टेक फॉर यू, यू कैन गॉट दैट कहाँ कहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेज मिलता है, वो हब से आप रॉयल्टी फ्री इमेज डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी मैं सिलेक्ट करके रखा, जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करके बाद यहाँ पे मैं 2 ही टैग यूज़ किया, आप 3-4 टैग यूज़ कर सकते हैं। वह बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीका SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का, एंड कीवर्ड जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई करिए इसका सिनोनिम्स जो है, मतलब मिलता जुलता जो कीवर्ड है उसको भी अपना आर्टिकल में डालने का। मैं बहुत जगह यूज़ किया इस कीवर्ड का, मिलता जुलता जो कीवर्ड है उसको भी मैं बहुत जगह आर्टिकल पे यूज़ किया। तो वैसे ही आपको कीवर्ड को आर्टिकल पे प्लेस कर देना है तो आपको एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल मिल जाएगा। तो इसके पहले हम और थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह दिखा रहा है, मैं ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करता हूँ इसीलिए ये एरर आया है, देख सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा लो है, एंड यहाँ पे वी फाउंड 3 आउटबाउंड लिंक नो फॉलो, डू फॉलो भी आउटबाउंड लिंक को दे सकते हैं, मैं तो नहीं देने वाला हूँ वैसे। एंड यहाँ पे मतलब 86% आउट ऑफ 100 आया है, मतलब मान सकते हैं ठीक ठाक इसका SEO किया गया है। तो अगर आपको रैंक मैथ में 70-90% अगर इसके अंदर अगर आपका स्कोर दिखाता है तो उसको गुड SEO ही माना जाता है। वैसे एक अगर आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख रहे हो तो पैसिव वॉइस यूज़ करना कम कीजिए अपना आर्टिकल पे, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ एक्टिव वॉइस, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिला है, बेसिक जानकारी मिला है कैसे SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।